लैडर हैजार्ड, लैडर यानी सीढ़ी का यूज़ करते वक्त हमें बहुत से हैजार्ड्स यानी बहुत से खतरों का सामना करना पड़ सकता है और सीढ़ी से लगने वाली इंजरी से हमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। तो चलिए कुछ ऐसे ही हैजार्ड्स को देखते हैं जो इस तरह की इंजरी की वजह बन सकती है। सीढ़ी से गिरने की वजह से हमें इंजरी हो सकती है अगर हमने सीढ़ी चढ़ते समय सेफ्टी ना फॉलो की तो। अगर हमने लैडर को प्रॉपर तरह से स्टैंड नहीं किया तो वो हमारे ऊपर गिर सकती है जिसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है। अगर आपने लैडर पर कोई मटेरियल हैंग किया है या कोई मटेरियल उस पर रखा है तो वो आपके ऊपर गिर सकता है और उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। लैडर पर चढ़ते हुए हम ट्रिप या फिर स्लिप होकर गिर सकते हैं जिसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है। वर्क करते वक्त अगर हम लैडर को उठाते हैं, उसे लिफ्ट करते हैं, तो ऐसे में अगर लैडर हैवी है तो आपको उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। वर्क करते समय अगर हम लैडर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ऐसे में लैडर किसी मटेरियल या किसी पर्सन से टकरा सकती है जिसकी वजह से इंजरी या फिर मटेरियल डैमेज हो सकता है। वर्क करते समय अगर हम लैडर को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल वायर या फिर किसी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लैडर टच होने का खतरा होता है जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है, इंजरी हो सकती है। इन हैजार्ड से बचने के लिए हमें लैडर पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए जिसमें लैडर को यूज़ करना, लैडर का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना, लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे रिपेयर करना और लैडर के सारे लीगल स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना और एक लैडर हैंडलिंग प्रोसीजर बनाना और उसकी प्रैक्टिस करवाना और फिर ये मेक श्योर करना कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए ताकि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।